हाय गाइस, वेलकम बैक टू भोजपुरी चिलीज। मैं हूं रुधीर। कैसे हैं आप लोग गाइस? आज हम लोग देखने वाले हैं जर्न जी की एक अनदर वीडियो। क्या अब भी भोजपुरी को ही अश्लील कहोगे? खेसारी लाल यादव, पवन सिंह, जर्न जी। कुछ बात हुई है आई थिंक। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। इसकी ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डू चेक इट आउट। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अश्लीलता आज का टॉपिक है। चाचा, ये सवेरे सवेरे क्या मेरे को यही देखने का है क्या? नहीं देखना है, फिर क्या दिखाऊं? अरे वो यूट्यूब के लपड़ झंडू वाला एपिसोड बहुत दिन हो गया, वो बना ना। हाँ, ये ठीक है, बट अश्लीलता के बारे में थोड़ा सा तो बात जरूर करेंगे, इसलिए लास्ट तक देखना है। ओके 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 ओके। खेसारी टुन टुन पर टूट पड़ा बबुआन स्टार छोटू चिंगारी। टूट पड़ा? अरे साले, अरे टूट पड़ा तो हॉस्पिटल लेके जाओ ना यार, ये तो कराओ, कहाँ कहाँ से टूटा है, प्लास्टर व्लास्टर करवाओ यार, यहाँ खड़ा भाषण दे रहे हो। रात भर चले रंगदारी बबुआन के। ए भी मतलब लाठी लेके आवत है। नहीं मतलब खेसारी लाल हुआ लंदन में बैठ के तंदूरी तोड़ रहे हैं और ये घर में बैठे बैठे टूट पड़ रहे हैं। सही से टूटना, कहीं टूट कर खुद पर ही ना गिर जाना। अरे खुद पे गिरे तो भी ठीक है, कहीं किसी की नजर में ना गिर जाना। किसी की नजर में गिरे या पी कर नाले में गिरे, कहीं भी गिरो बस मेरे चाय में मत गिरना, 10 रुपए का चाय है। हवा निकल गई। मिल गया खेसारी के बेटी पे गाना लिखने वाला, बोला तीसरा गाना भी लिखूंगा। खेसारी की बेटी पे गाना लिखने वाला, लेकिन पोस्टर में तो गीतकार अखिलेश कश्यप कोठा पुत्र लिखा था। अरे ये वही कोठा पुत्र हैं, तभी ना असली नाम लिखवाने में शर्म आ रही है। क्या आप वही कोठा पुत्र हैं? हमार नाम सोनू पांडे है। नहीं, ये गाने के राइटर हैं। चलाकी देख रहे हो भाई साहब का, अपना नाम नहीं लिखवाए हैं, पता था कि पकड़े जाने पर पेला जाऊंगा, इसीलिए छुप के गेम खेल रहे थे। ये सब ढोकलापन है। इस सुखंडी का क्या है, इसको तो ठर्रे का 2 पैग मरवा दो और कुएं में ढकेल दो। पूरे खानदान को लपेट दूंगा, पूरे खानदान के हम मैंने के पूरा हमारा सब आदमी की पहचान गिर जाता है। कृति यादव के सपोर्ट में आग बबूला हुए पवन सिंह। आर यू कॉमेडी मी? कृति मेरी भी बेटी है, इस चादर मोड़ को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, ये कहा है पवन सिंह ने। कुछ भी। और अभी तक अगर आपने पवन सिंह का ये वाला बयान नहीं सुना है तो भोजपुरी भाषा पर कलंक हो तुम, एकदम धब्बा हो काला। अरे नहीं, क्या बात करते हैं यार। देखो मजे की बात ये नहीं है, मजे की बात ये है कि पोस्टर में इतनी एनर्जी दिखाने के बाद भी भाई के वीडियो पर पूरे 1200 व्यूज आए हैं। अच्छा बात नहीं है। धीरे धीरे सयानी हो रही है पब्लिक। फिर भी YouTube पर झूठ का धंधा बहुत दबा के चल रहा है, बेचारे करे भी तो क्या, पब्लिक को झूठ ही ज्यादा पसंद आता है, सच कोई देखना नहीं चाहता, इसीलिए मजबूरी है, बेचारे बना रहे हैं, क्या करें। तो अब चलो बार पानी में जाके डूब के मर जाओ। पवन सिंह पहली बार खेसारी के सपोर्ट में गुस्सा हुए है। पोस्टर पर एनर्जी वेस्ट करने का फायदा है भैया, अभी भी है, आज से तू भी ऐसे ही पोस्टर बना। हम लोग भूखे नंगे नजर टिकाए बैठे हैं। नहीं माना कि जब तक वीडियो पर क्लिक नहीं करेंगे तब तक पता कैसे चलेगा कि वीडियो ओरिजिनल है या फेक, बट ये लाइक तो वीडियो क्लिक करने के बाद ही किया जाता है ना, तो वीडियो देखने के बाद भी समझ में नहीं आया कि ये वीडियो फेक है, चैनल वाला उल्लू बना रहा है। अरे जब लोग बेवकूफ बनने के लिए तैयार हैं तो बनाने वाले की क्या गलती है। ये भी सही है। हाँ सर, हेलो। ये देख के पवन सिंह के लिए मेरे दिल में और रिस्पेक्ट बढ़ गया। देख रहे हो कितने होशियार लोग हैं, ये पोस्टर देख के भाई के दिल में पवन सिंह के लिए रिस्पेक्ट बढ़ गया। सब दारू में ही तो विकास हो रहा है। गर्व है पवन सिंह भैया के विचार पर। वीडियो किसी ने नहीं देखा है, गर्व सबको हो रहा है। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? पवन सिंह ने इस पूरे ड्रामे पर अभी तक मुंह भी नहीं खोला है, बट पवन सिंह की बात पर भाई को गर्व है। ध्यान से देखो, गर्व नहीं वो गर्व होगा। ये सब देख कर ना कभी कभी ऐसा फील होता है कि ये न्यूज चैनल वाले इन्हें मूर्ख नहीं बना रहे हैं,
बल्कि ये लोग मूर्ख खुद मूर्ख बनने के लिए जा रहे हैं। अश्लीलता क्यों परोस रहे हैं पवन और खेसारी? वाह, ब्रेकिंग न्यूज। अबे साले, अश्लीलता परोस रहे हैं पवन और खेसारी। कौन सा चैनल है ये? न्यूज 18 बिहार झारखंड। देख रहे हो, जो लोग पिछले 5 दिन से न्यूज के नाम पर अपने टीवी पर पठान फिल्म का बेशरम रंग फुल स्क्रीन में दिखा रहे हैं, दीपिका पादुकोण का स्पेशल पोज, उन्हें भी भोजपुरी में ही अश्लीलता नजर आती है। अब तो नीतीश कुमार से हाथ जोड़कर विनती है कि सर शराब चालू करवा दो, इतने गंदे गंदे नशा करके सब आ रहे हैं, इससे बेहतर तो शराब पीना ही सही रहेगा। खैर ये जस्ट जोक है, मजाक है, मैं शराब का प्रमोटर नहीं हूँ, शराब कभी नहीं पीना चाहिए, शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। नहीं, एक बार इनके न्यूज का पोस्टर देख लो। वाह क्या सीन है। कौन कौन सा गाना लगाया है? पवन सिंह का एल्बम गाना लाल घाघरा और खेसारी लाल यादव के एक फिल्म का गाना लाल घाघरा। दोनों गानों का नाम लाल घाघरा है। दोनों अलग अलग होते हैं क्या? इन दोनों गानों का फोटो इतने बड़े न्यूज चैनल ने अपने पोस्टर में लगा करके अश्लील लिखा है। बहुत मार मार, जबकि ये दोनों ही गाने अश्लील नहीं है। हाँ। नहीं, हम पहले कह रहे थे ढोड़ी चटना वाला लगाते तो एक बार मान भी लेते कि हाँ भाई चलो ठीक है। कोई भी न्यूज चैनल खोल करके देख लो, सुबह से शाम तक पठान फिल्म का बेशरम रंग चलाया जा रहा है। और अगर कॉपीराइट पॉलिसी के बारे में आपको थोड़ा सा भी पता होगा तो किसी भी फिल्म का गाना अपने टीवी स्क्रीन पर दिखाने से पहले उस गाने का कॉपीराइट खरीदना पड़ता है। समझ रहे हो? मतलब पैसा दे के बाइकॉट चल रहा है। खैर हम बात कर रहे हैं अश्लीलता की। तो ये जो लोग हैं ना, जो भोजपुरी में ही अश्लीलता नजर आती है, इनके मोबाइल खोल करके आप देख लो, ये लोग नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम वीडियो, डिज्नी हॉटस्टार, उसके बाद में G5 और पता नहीं क्या 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 क्या, बहुत सारे OTT प्लेटफॉर्म के ये लोग सब्सक्रिप्शन लिए पड़े हैं, रखे हुए हैं। और आपको अच्छे से पता होगा कि किसी भी OTT प्लेटफॉर्म पर क्या दिखाया जाता है। दुनिया की सबसे वाहियात चीज अगर कहीं बनती है तो वो बनती है OTT प्लेटफॉर्म पे। माँ का बेटे के साथ रिश्ता है, पतोही का ससुर के साथ रिश्ता है, और जो हमारे आर्मी के मतलब गृहणियों का मजाक उड़ाया जाता है वो अलग से। ऐसे प्लेटफॉर्म के सब्सक्रिप्शन लेकर रखने वाला व्यक्ति भी अगर कहे कि पवन और खेसारी अश्लील हैं तो उनके साथ क्या करना चाहिए? मेरे हिसाब से तो जूता लेके दौड़ाना चाहिए। ठीक है, जब था तब था, तब बोलते भी थे, माने कि आज भी है, बट शीर्ष पर जो है वो तो सुधार हुआ है, बहुत सुधार हुआ है। हाँ, काफी अब वो हद एक तक मॉडल है नम्रिता मल्लाह, अगर वो कुछ डिजाइनर कपड़े पहन के आती है तो वो असली है क्या? कौन सी इंडस्ट्री में नहीं पहना जाता है? उसके अलावा मान लो कि कोई छोटा मोटा नंगा पुंगा आकर के सिंगर कोई गंदा गीत गा देता है तो उस सब का भी इंडस्ट्री ही जिम्मेदार है। अरे जो नंगे परिवार से उठ के आया वो नंगा ही गाएगा, जो सभ्य परिवार से उठ के गाएगा वो अच्छा गीत गाएगा। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं भोजपुरी जो बहुत अच्छा गीत गाते हैं, कभी उनके नाम से भी भोजपुरी को रिप्रेजेंट करो, कि हमेशा इन नंगे लोगों के नाम से ही रिप्रेजेंट होता रहेगा भोजपुरी। अश्लीलता का मैं भी विरोध करता हूँ, बट मैं पेटुकलर उस सिंगर के बारे में बात करता हूँ जो अश्लील गीत गाता है, उसी का गाना उठाता हूँ और उसी को रोस्ट करता हूँ। वैसे भी हमारा एक लोकल चैनल है, मैं कुछ भी बोलूँ क्या ही फर्क पड़ता है, इनका तो न्यूज चैनल है ना भाई। सही बात है, जिम्मेदारी बनती है उनका। न्यूज चैनल का नाम है बिहार झारखंड, और खुद ही बिहार झारखंड को बदनाम करने पर लगे हो अद्दे साला। यार बस आज के इतना ही, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आया तो होगा ही, बिल्कुल ऑफ कोर्स, मोबाइल का शीशा तोड़ के, शीशा तोड़ेंगे मेरा नुकसान होगा, मोबाइल में घुस के मारूंगा, और अगर नए हो तो देख लो मैं ऐसे ही हड़काता हूँ लास्ट में। हाँ, आदत डाल लो और चैनल सब्सक्राइब करके ही हमें बहुत पसंद है सर, आप डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम का लिंक है, आओ कभी कोई सवाल हो मन में तो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। ऑफ कोर्स यार, देखो बात तो सही है, ये सिर्फ नेटफ्लिक्स या प्राइम इंडिया ही नहीं बल्कि बहुत सारे ऐसे OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, लाइक उल्लू पुल्लू, पता नहीं किस किस नाम से वो क्या बोलते हैं, जो धार्मिक सीरियल बनाती है एकता कपूर, उसके कभी तुम ये गंदी बात वाले सीरियल जो
वो हैं वो देखोगे ना तो अपने आप पे शर्म आएगी कि भैचन देखा क्यों हमने ये, है ना, देखा क्यों हमने ये ऐसी ऐसे ऐसे वीडियोस बनाते हैं। देखो अश्लीलता जो होती है वो दिमाग में होती है, किसी इंडस्ट्री में नहीं होती है। ठीक, इंडस्ट्री में आपको हर एक चीज़ हर एक तरीके की मिलेगी, चाहे वो कोई सी भी इंडस्ट्री हो। तुम हॉलीवुड ले लो, बॉलीवुड ले लो, साउथ ले लो, भोजपुरी ले लो, बंगला ले लो, गुजराती इंडस्ट्री, कोई सी भी इंडस्ट्री, हरियाणवी, पंजाबी, कोई सी भी, ठीक है, सब में अच्छी चीज़ें भी हैं बुरी चीज़ें भी हैं। तो एटलीस्ट किसी इंडस्ट्री का मतलब आप बुराई ना करके पर्टिकुलर उस चीज़ की, अगर उस गाने की, उस उन चीज़ों की अगर बुराई करेंगे तो वो ज़्यादा सही रहेगा, है ना, कि हाँ इन चीज़ों को क्यों प्रमोट किया जा रहा है क्या नहीं है। उन सब टेक्निकल टर्म्स पर मैं नहीं जाऊँगी, लेकिन अभी यहाँ पर देखो पहली बात तो पठान मूवी का बॉयकॉट हो रहा है, पता नहीं क्यों हो रहा है, मुझे तो अभी तक यही नहीं समझ में आया क्यों हो रहा है यार, इतने टाइम बाद शाहरुख खान एक मूवी लेकर आ रहे हैं, ठीक है। और पता है ये अब एक ट्रेंड सा बन गया है कि कोई भी मूवी आए, कोई भी मूवी आए, उसका कुछ भी बोल के भैया बॉयकॉट तो करना ही करना है, है ना, ज़रूरी है, कुछ ना कुछ एक ना एक एंगल, चाहे वो धार्मिक एंगल हो, चाहे वो पॉलिटिकल एंगल हो, चाहे वो सोशल एंगल हो, कोई सा भी कुछ भी लेके मतलब ज़रूर उसका बॉयकॉट करना ज़रूर है। और बॉयकॉट करने वाले घंटा भी नहीं उखाड़ पाते हैं, मूवी मिलियंस ऑफ मिलियंस कमा ले जाती है, ठीक है। तो क्या फ़ायदा है तुम्हारे फालतू में चा 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 पै 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 करने का, है कुछ नहीं होता उससे। और ये बार बार बोला जा रहा है ना अश्लीलता क्यों परोस रहे हैं, अश्लीलता क्यों परोस रहे हैं, कौन अश्लीलता परोस रहा है भाई, हैं, डिज़ाइनर कपड़े पहनने को कट स्लीव्स या लो क्लीवेज ड्रेसेस पहनने को ये अश्लीलता बोला जाता है, हैं, अश्लीलता तब होता है जब गानों में किसी प्राइवेट पार्ट को इंसल्ट किया जाए, लड़की को एक ऑब्जेक्टिफाई किया जाए, ठीक है, तब लगता है कि हाँ ये अश्लील है। एक माइंडसेट होता है, एक ऑब्जर्वेटिव नेचर होता है कि हाँ देखने पर लग जाता है भैया क्या अश्लील है, क्या बोल्ड है, क्या रोमांटिक है, क्या मतलब न्यूट्रलाइज किया गया, ठीक, तो वो सब चीज़ें पता चल जाती हैं। लेकिन इन्हें तो पता नहीं क्या है भैया, न्यूज़ चैनल वालों को ये नहीं कि हाँ भारत में और भी कोई समस्याएँ हैं वो दिखाएँ ना, वो पड़े रहेंगे उनके पीछे, इंडस्ट्री वालों के पीछे। खैर छोड़ो उस बात को, क्या ही कहें, उनको जितना कहो वो उतना ही ज़्यादा बढ़ते जाते हैं। सो आई होप आप लोग को रिएक्शन पसंद आया होगा, अगर अच्छा लगा हो देन प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।